नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ एक नई अद्भुत और एक रोमांचक यात्रा पर। तो दोस्तों, आज हम घूमने जा रहे हैं होगेनिकल फॉल्स। तो जब कावेरी नदी कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु में प्रवेश करती है और जब नदी का पानी चट्टानों से नीचे गिरता है तो ये एक झरने जैसा रूप ले लेता है और इसी झरने को हम होगेनिकल फॉल्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, होगेनिकल जो शब्द है ये कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका हिंदी मतलब होता है स्मोकी रॉक्स। स्मोकी रॉक्स हम इसको किस लिए कहते हैं, क्योंकि जब कावेरी नदी का पानी इन चट्टानों पर गिरता है तो चट्टानों से एक धुआं सा निकलता प्रतीत होता है और इसी को स्मोकी रॉक्स मतलब जो है और पब्लिक बोलती है, सभी लोग बोलते हैं। और इस झरने को दोस्तों आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम इंडिया के नियाग्रा फॉल्स के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम होगेनिकल फॉल कैसे पहुंच सकते हैं। तो देखिए, होगेनिकल फॉल और जो आसपास के शहर हैं उनसे वेल कनेक्टेड है और हम सबसे जो नियरेस्ट सिटी की बात करें तो वो देखिए, इसके सबसे पास में हसूर जो तमिलनाडु का शहर है वो है और उसके पास में कर्नाटका का जो मेजर सिटी है वो बेंगलोर है। और अगर हम बात करें बेंगलोर से जो होगेनिकल फॉल की दूरी है तो आप केवल थ्री एंड हाफ आवर की ड्राइव में अपनी पर्सनल कार से यहाँ पर आप इस फॉल तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए कि हम होगेनिकल फॉल कब जाएं, तो देखिए होगेनिकल फॉल जाने का जो सबसे उपयुक्त समय है वो है और सितंबर अक्टूबर से लेके और फरवरी तक, क्योंकि इस समय क्या रहता है, देखिए टेम्परेचर बहुत कम होता है तो आप आराम से फॉल्स में और सारी जगह आराम से घूम सकते हैं, गर्मी कम होती है। और इसके विपरीत अगर आप क्या है गर्मी के सीज़न में जाते हैं तो आपको क्या है ना बहुत और तेज़ धूप का सामना करना पड़ेगा तो आप अच्छे से वहाँ घूम नहीं पाएंगे। और दूसरा, अगर आप विंटर का टाइम जाते हैं तो जो यहाँ पर जो इसका मेन अट्रैक्शन है वो है यहाँ पर बोट राइड। तो वो विंटर के समय में क्या है, पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है तो जो बोट राइड वो पूरी तरह बंद रहती है। इसीलिए जो सितंबर अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का समय सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इसमें बोट राइड आप उसका पूरा आनंद ले सकते हैं, आप बोट में झरने के पास तक जा सकते हैं और आप अपनी इस यात्रा को पूरी तरह इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम होगेनिकल फॉल पहुंच चुके हैं और अब जैसे आप ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर पहुंचने के बाद में कोई एंट्री फ़ीस है, किस तरह से आप बोट का एक्सेस ले सकते हैं, तो देखिए बिल्कुल हाँ, यहाँ पर एंट्री फ़ीस है। तो यहाँ पर क्या है, 750 रुपीज़ की एक आपको ना पर्ची कटती है गवर्नमेंट की तरफ से, और जिससे कि आप क्या ना जो यहाँ पर वाटर है और कावेरी नदी का उसमें बोट के थ्रू एक्सेस ले सकते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट की फ़ीस है 750 रुपीज़ है, लेकिन इसके अलावा भी जो बंदा बोट चला रहा है उसको भी आपको और 500 से 1000 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। और ये यहाँ पर मतलब इस तरह का मतलब प्रचलन है और तभी वो बंदा फिर आपको कहना पूरे लोकेशंस घुमा के लाएगा और आपको उससे पहले से ही तय करना पड़ेगा कि आपको शॉर्ट ड्यूरेशन घूमना है, पूरे फॉल का चक्कर लेके आना है, सारे लोकेशंस देखने हैं और उसको कितने रुपए देने हैं पर पर्सन के हिसाब से। जैसे आप 2 से 3 बंदे हैं, 3 से 4 बंदे हैं तो वो भी तय करना पड़ेगा कि आपको मिनिमम उसको कितने रुपए देने हैं। और आपको अपने जो बोट राइडर है उससे पूरा जो उसको पेमेंट करना है उसको एक तरीके से तय कर लेना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जैसे आपके नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा हैं, 3 से 4 बंदे हैं, तो वो फिर बाद में आपसे ना 2 से 3 हज़ार रुपये डिमांड करते हैं कि नहीं हम पर पर्सन के हिसाब से पैसे लेंगे, तो जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन क्या है, वहाँ पर ये जितने बंदे होते हैं ये उनका एक तरीके से और यूनिटी होता है, यूनियन होता है, तो बाद में फिर आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। और वो भी तब जब आप एक तरीके से अगर आपको कन्नड़ नहीं आती है और तमिल नहीं आती है तो आपके लिए बहुत ही और एक पैथेटिक सिचुएशन हो सकती है। तो बोट राइड का एंजॉय करने के बाद में झगड़ने से अच्छा है कि आप ये पेमेंट जो टर्म्स हैं और अमाउंट हैं ये अच्छे से जो आपको बंदा बोट राइड करा रहा है उससे ये तय कर लें।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का ये ऑर्गेनिकल फॉल का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही अद्भुत और रोमांचक यात्रा पर मेरे साथ चलने के लिए, नए टॉपिक से जुड़ने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ट्रेनिंग एंड ब्लॉग्स बाई मोहित सिंह। और मेरा वादा है आपसे ऐसे ही नई नई चीज़ों के साथ आपसे मिलता रहूँगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।